जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया एफला पिजन गैलरी में। ये देखें, ये दो जगह पे दाना डाला है मैंने, एक मैंने यहाँ पे दाना डाला है, एक मैंने वहाँ पे दाना डाला है, और यहाँ पे दाना डालने के लिए मैंने ट्रे बाहर निकाली है। ये कबूतर किसी का आके बैठा ऊपर से, समझो बाहर है किसी का। ये कबूतर है, ये बैठा हुआ है, ये देखें कबूतर किसी का आके वो बैठा है। मैं दाना शाना डालने में मसरूफ था, एक कबूतर किसी का आ गया ऊपर से। तो अपना टीका कल लगा 10 कबूतरों का, सीधी सी बात है 10 कबूतर का टीका लगा है, जिनमें से हाशिम भाई वाला बच्चा भी था, नंबर लगा हुआ, फोन शून कोई नहीं आया, लेकिन वो मुझे पहले ही पता कि 2-3 दिन बाद भी वापस आ गया था वो हाशिम भाई वाला। तो कल 10 कबूतरों का टीका लगा, कम से कम 10 लगे हैं, बाकी तो याद नहीं है मुझे कितने रहते हैं कितने नहीं, लेकिन 10 जो थे ना वो मेरी नज़र में जो थे ना वो मेरे वो जो थे वो टीका लग गया। तो अब ये कबूतर किसी का आके बैठा हुआ है, ये नीचे उतरता है तो फिर ही आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ऊपर से पकड़ने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये बैठा हुआ है, अब इसको बैठा रहने देते हैं तब तक ये मैं दाना वगैरह की ट्रे वगैरह साफ़ कर लूँ, ट्रे साफ़ करके दाना डालूँ। उधर दो जगह डाल दिया दाना मैंने, अब यहाँ पर जोड़ों में डालना था मैंने। तो ये कबूतर किसी का आके बैठा है, तो देखो उड़ा हुआ लग रहा है मुझे, जैसे पूछा पूछा साफ़ कर रहा है। ये इधर से दरमियान वाले खुटे से 10 कबूतरों का टीका लगा है, और जो अच्छे वाले थे वो समझो फिर चले गए, जो खपे ठुपे थे वो रह गए। फिर दूसरी तीसरी मरतबा ये कहानी बनी है, क्या कर सकते हैं, बैड लक कह सकते हैं ये, क्या मैंने उड़ाए भी बल्कि सही टाइम पे थे, बस ये है कि सामने खड़े रह गए, रात ही रह गए, बैठे ही नहीं। तो 10 कबूतरों में से एक कबूतर अभी तक वापस नहीं आया, ये वो ऊपर जाके ऊपर आ जाके बैठ गया, वो एक जंगलियों के साथ रला हुआ है। ये कबूतर भी गया किसी का, ये देखें ये कबूतर भी गया है, वो सामने गया उधर। तो वो एक वाइट वाला जो है वो जंगलियों के साथ वो रला हुआ है, वो तो आके बैठ रहा था, ये दूसरा किसी का आके बैठा हुआ है। तो अभी दाना डालूँ मैं उधर, यार ऐसे इस जात का मेरा कबूतर गया, ये देखें ज़रा इस जात का कल कबूतर मेरे तकरीबन 10 कबूतर रहे हैं, तो जिनमें से बड़ा ही दुख हुआ, ये भी बच गए हैं जिन, ये तो गोल हुए हुए थे, गोल तो वो भी हुए हुए थे, लेकिन ये आके थोड़ी बहुत ना कलियाँ निकलाई हुई थी उनकी, सातवीं कली, आठवीं कली निकलाई हुई थी उनकी, तो ये भी पूरे गोल थे इसलिए बच गए हैं। बाकी आस लगाई हुई है, शाम का टाइम हो गया, कोई एक आधा ही आ जाए, तो 10 कबूतरों में से, लेकिन क्या है कि यार नई तैयारी है, इन्हीं में से जो जिन्होंने निकल निकल के बनना है उन्हें नहीं बनना है, तो याद रहा है कि वापस भी आ सकते हैं, इतनी की बड़ी बात नहीं। मसला बताऊँगे सब बंद ही रह गए हैं, कबूतर जो है ना वो बंद ही रह गए हैं, वो निकले ही नहीं है, क्लियर ही नहीं हुए वो, अगर उनमें से कि 2-4 नीचे ऊपर होते ना तो वो जो ऊपर नीचे थे ना वो तो बैठते जा रहे थे, तकरीबन मगरिब के बाद तक कबूतर बैठे हैं, लेकिन वो काफ़ी हाइट पे बंद हुए हुए थे वो नहीं निकले, जो बंद हुए हुए थे वो उनका पता भी दूर ही कहीं जाके गिरते हैं, तो उड़ गया नहीं बैठा हुआ है, वो उस साइड पे चला गया, इसको पकड़ूंगा कैसे मैं, ये बैठा हुआ है इस साइड पर ये वाला, इसको पकड़ने का काम है, थोड़ा पकड़ू। मैंने ना इन मौसम में उड़ाना नहीं था, मैंने आपको बताया परसों मैंने वीडियो डाली है, सारे कबूतर निकाल के उड़ा दिया, परसों उड़ाए हैं थोड़े सीधे भी हुए हैं, और कल जो है वो खड़े हो गए, कल तो वो खच जाके खड़ी हो गई है, जिसका मैं बता नहीं सकता, जिसका कोई अंदाजा नहीं था, वो खच जो है 3-3-4 घंटे फिर रही है, तो मुझे समझ आ गई जब वो खच्चे जो उड़ उड़ के आ रही थी ना, मैं कहा जो ऊपर वाले लेवल के परिंदे हैं ना वो आज गए तेरे, तो वही कहानी हुई। आशिम भाई वाला बच्चा था, बड़ा अच्छा उड़ रहा था, मेरे पास बच्चा जब था उसको रोका हुआ था, तो वो भी गया। एक ये परिंदा पता नहीं ऊपर किसी का आया हुआ छत पे, ये देखे काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ है, ये फेर रहा है, ये फेर रहा है, अपना ही हो, अल्लाह करे यार कोई एक आधा आ गया, एक आधा वापस आ गया हो, नहीं अपना नहीं है, निकल गया उस साइड पर, अरे जो भी सर से गुजर रहा है यही आस लगा रहे हैं कि शायद कोई अपना आ गया हो। अल्लाह को हाजिर हाजिर जान के कह रहा हूँ, जो कबूतर कल गए हैं ना 10, तकरीबन ज़्यादा ही थे, बाजी मेकर कबूतर थे वो, तो ये कह रहे हैं कि सर पकड़ के दीवार में मार रहा हूँ कि मैंने उड़ा क्यों दी, गलती क्यों कर दी यार, अब इनको जो बच्चे में है ये अंदर ही रहेंगे, अब इनको नहीं मैंने बाहर निकालना, ये पूरा सीजन अब सर्दी है, बच्चे भी चल आएँगे वही देखेंगे, लेकिन क्या बताएं आपको यार,
पूरी गेम पलट गई है दोबारा फिर। दूसरी तीसरी दफा ये हादसा हो गया, कबूतर भाई से दिल उठ जाता है यार, दिल ही नहीं करता दाना पानी करने का आने का। इतनी मुश्किल से परिंदा बनता है, टाइम लग के परिंदा बनता है, और फिर परिंदा ऐसे ज़ाया हो जाए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि यार वो खड़े हो जाएंगे कल। मैं यही था कि आधा घंटा घंटा फिर रहेंगे तो बैठ जाएंगे। परसों अलग ही वीडियो बनाई है, वीडियो में देखा होगा आपने कि चमकार चमकूर में गए हैं और तकरीबन काफ़ी कबूतर था, सारा आसमान भरा हुआ था, वाड़ के बैठ के कुछ 40-45 कबूतर था। तो इसी आस में थे कि यार ये भी जो थे कि आधा घंटा घंटा फिर लेंगे बैठ जाएंगे, कच्चे गुल्लों में थे, गोल किए हुए थे। बस क्या कह सकते हैं, अब इसको पकड़ने का भी दिल नहीं कर रहा, वो ऊपर जाके बैठा हुआ, देखते हैं जाके उधर से उसको किधर से आया, पता है कोई नहीं उसका, सरोकार ही कोई नहीं है, बैठा हुआ ये वाला वो तो जंगलियों वाला बैठा हुआ ना, ये बैठे हुए भाई साहब पता नहीं जी नीचे उतरना चाह रहे हैं या नहीं उतरना चाह रहे। ये भाई साहब इधर ही बैठे हुए, नीचे उतरेंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं तो बैठे रहना तो इनको भाई, अपना दिल बड़ा टूटा हुआ है तो दिल नहीं है इसको पकड़ने का। नीचे उतरेगा तो वहाँ से घेर घूर लेंगे, ऊपर से मेरे से नहीं घेरा घूर आ जाता, नहीं तो बैठा रहे, नहीं तो जाति भर तो मैं उसको भी उड़ा देंगे। मैं अपने भी परिंदों को दाना डाला हुआ है, यहाँ भी वहाँ भी सबको डाला हुआ है, तो इन्होंने उतर रहा होगा भाई साहब, नहीं तो उतर जाए, नहीं तो मर्जी है जहाँ मर्जी जाए फिर आज़ादी करें। आगे अपने जो कल जितने सुबह उस किस्म के 10 कबूतर गए हैं, साल कालों के एक फड़क मारी है दूसरी फड़क में सीधे हो गए हैं। वो कल खच्चे जो है मगरब के बाद बैठे हैं यार, साहब लगाओ मैं परेशान, मैं कह यार ये नीचे उतरने लगा, ये देखो कोशिश कर रहा नीचे उतरने की, ये उतर गया, गंदे सी पूंछल से है, एक गंदी सी पूंछल है इसकी कोई भाई जी, इसको मैं ना ये जाली तरफ आएगा उसको काटूंगा मैं, आप ही उतर आया नीचे, पता नहीं किधर से घूमता फिरता आया किसी का। वो पीछे जाकर जाली की पट्टी पे आ गया, इसको घेरते हैं ज़रा, इसको घेर के ज़रा पकड़ते हैं ज़रा, अंदर आ गया ये कबूतर, ये वाला ये कबूतर पकड़ा गया, मैं तो खड़ा हूँ, ये कबूतर है जो पकड़ा, पता नहीं किधर से घूमता फिरता किसी का, आ गया, चलो इसका पकड़ के शोक वगैरह करके फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो किसी ने दोस्तों इसको ना टेप शेप लगाई हुई थी, ये देखें ये टेप शेप लगी थी इसको, तो बिल्कुल ठप्पा कबूतर है, ठप्पा कबूतर है, इसको ठप्पों वाली जगह पे छोड़ दें, अपनी समझ में नहीं आया, ठप्पा कबूतर है किसी का, तो इसको ठप्पों वाली जगह पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे घूमता फिरता रहे। अच्छा तो दोस्तों सीन ऐसा है कि अपने जो है वो कोई चक्कर नहीं है, अगले दिन भी कोई नहीं आया अभी तक, तो कल के गए हैं, तो जो पकड़ा है उसका शो क्या कराना, ठप्पा कबूतर है, ठप्पे कबूतरों का क्या शो कराना, तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया जाल के अंदर ही फिरता फुरता रहे। तो अपने जो हैं थे जो गए हैं कल, उनमें से वापसी कोई भी नहीं हुई, तो 10 कबूतरों का जो है फिर टीका लगा वंस अगेन, तो इंशाल्लाह कोई नहीं यार, दुख तो होता ही है, बड़ा ज़्यादा दुख हुआ कल, मुझे बिल्कुल 1% भी तो था ना उम्मीद नहीं थी कि कबूतर खड़े हो जाएंगे कल, बुल्ला एक तो बहुत हैवी था, 1% उम्मीद नहीं थी कि कबूतर जाकर आसमान में खड़े हो जाएंगे। जब वो ठप्पे जो 2-2 घंटे तक आके निकलने लग पड़े ना, मैंने कहा यार आज मुझसे गलती हो गई, अगर ठप्पे जो हैं वो इतना टाइम कर रहे हैं तो अच्छे कबूतर जो थे मेरे वो उन्होंने किधर बैठना था, पीछे गोल हुए हुए थे, खप्पे पड़े हुए थे, गोल हुए हुए खप्पे पड़े हुए इस हिसाब में थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने कहा नहीं यार कोई चक्कर नहीं है फारक है, मैंने कहा मुश्किल ही आया तो नामुमकिन है, अगले दिन पर उम्मीद लगाई थी कि आज शायद कोई 1-2 आ जाएँ, कोई 2-3 आए थे ना तो आसरा हो जाता है, तो चलो 2-3 नाक बन जाते हैं आपके, लेकिन आज भी कोई चक्कर नहीं है। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि ऐसी वीडियो में ना मिलें हम दोबारा कभी, तो इस ऐसी वीडियो बनाने का मज़ा भी नहीं आता, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाफ़ी दो, याद रखना चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना।